गर्मी का मौसम शुरू होने के साथ ही इंदौर शहर में भी तेजी से तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे विभिन्न तरह की बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एम्बाय हॉस्पिटल के सह प्राध्यापक डॉक्टर संजय खरे के मुताबिक गर्मी में धूप तेज होने की वजह से त्वचा संबंधित रोगों की आशंका बढ़ जाती है और इससे बचने के लिए अत्यधिक धूप से वक्त घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। यदि धूप में जाना ही पड़े तो टोपी या फिर कपड़े से सर को ढक लेना चाहिए। इसके साथ ही टाइट जीन्स जैसे कपड़े भी गर्मी में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ऐसे कपड़ों में पसीना ज्यादा आता है और ज्यादा समय तक पसीने के संपर्क में रहने से त्वचा में फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। लाल या सफेद चकत्ते आ जाते हैं और खुली चलने लगती है। इसका प्रिकॉशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जब भी बाहर निकलें टोपी पहन के निकलें, फुल बांह के कपड़े पहन के निकलें। आजकल हम परफ्यूम्स और डियो काफ़ी लगाने लगे हैं, वो भी इस धूप की एलर्जी का एक चांसेस है, का कारण है। तो इसके लिए बचने के लिए सबसे पहले हमको परफ्यूम्स और डियो नहीं लगाना चाहिए, फुल कपड़े पहनना चाहिए और कैप पहन के निकलना चाहिए। प्रिफर करें जब धूप की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है, मीन्स सुबह 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में, उस समय कोई भी बाहर के काम अवॉइड करें और उसके बाद ये चीज़ अपने जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। इसी तरह गर्मी के दिनों में पसीना खूब आता है, इसके कारण फंगस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फंगस को हम इस तरह पहचान सकते हैं कि जो पानी बॉडी के फोल्ड्स हैं वहाँ पे लाल चकत्ते आ जाते हैं और खुली चलने लगती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमको लूज अंडरवियर पहनना चाहिए, जीन्स लंबे समय तक सुबह से लेकर शाम तक नहीं पहनना चाहिए, जब भी मौका उसे घर पर है उसको उतार कर लूज कपड़े कॉटन के पहन लेना चाहिए। एंड दिन में 2-3 बार फोल्ड बॉडी के फोल्ड वाली जगह को सूखे टॉवल से पोंछना चाहिए। कोई भी टेलकम पाउडर फोल्ड वाली जगह पर नियमित रूप से लगाना चाहिए ताकि पसीना अच्छा रखे और स्किन ड्राई रहे। लोग आजकल बनियान को अवॉइड करने लगे हैं, वो भी एक गलत चीज़ है। पसीना अब्जॉर्ब करने के लिए हमको रेगुलर बनियान भी पहनना बहुत जरूरी है, उससे फंगस के चांसेस भी काफ़ी कुछ कम हो जाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर संजय खरे, एम्बाय में, प्रोफेसर इन एम्बाय हॉस्पिटल।